हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखिए, ये जोए थे हमारे घर पे रखे हुए थे, मम्मी ने भून दिए थे और ये बना भी दिए थे और ये विहान को खिलाए थे। आधे विहान ने खाए थे, आधे मैंने खाए थे ठंडे करके, शाम के टाइम खाए थे 5 साढ़े 5 बजे। फिर पापा जी ने ना मुझे दिन में ऊपर बुलाया अपने घर में और मुझे 240 रुपये दे दिए थे और बोलते कि शाम का खाना बाहर से आना चाहिए। मैंने तो मना किया था, मैंने कहा पापा जी बाहर से रहने दो, आप एक काम कीजिए ना, मतलब घर पर बना लेते हैं। बोलते नहीं, खाना आएगा तो बाहर से ही आएगा, मैं बाहर का ही खाना खाऊंगा। मुझे पैसे, अपनी जिंदगी में जो बची कुची मेरी जिंदगी है, मैं अच्छे से इंजॉय करना चाहता हूँ और मेरी इच्छाएं जो भी है छोटी मोटी मेरे को पूरी करनी है। बोलते अब मुझे जो भी थोड़ा पैसा है मैं खुद के ऊपर खर्च करना चाहता हूँ, नहीं बाहर से खाना आना चाहिए रात का। मैंने कहा ठीक है। तो ये थाली मैंने पापा जी के लिए मंगवा दी थी, ये देखिए, इसमें शाही पनीर था, मिक्स वेज थी, दाल मखनी थी, 4 रोटी थी, 2 जगह राइस थे, प्याज था, तो काफ़ी अच्छी थाली थी। और साथ में पता है यहाँ हमारे क्या होता है ना, जैसे जोमेटो से मैंने खाना मंगवाया था, तो अगर आप एक दो चीज़ें फालतू मंगवाते हो तो आपको डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो, 120 रुपये का, 115 का ऐसे था। तो मैंने कहा डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करने के लिए ना थोड़ी सी एक आधी चीज़ और मंगवानी पड़ेगी। तो मैंने हाफ प्लेट कढ़ी मंगवाई थी, मैंने कहा कढ़ी खा के देखते हैं यहाँ की। और साथ में ये इसमें ना पता है क्या था, जब आप ज़्यादा खाना मंगवाते हो तो एक फ्री चीज़ गिफ्ट मिलता है, तो दही बल्ले की जो प्लेट थी वो यहाँ पे देखो मैंने कटोरी में परोस दी है, तो ये दही बल्ले फ्री में मिले थे हमें साथ में। इसके पैसे चार्ज नहीं करे थे, टोटल खाना ये सारा 210 रुपये का आया था, तो इसमें दही बल्ले फ्री में मिले थे। और मैंने जो थी कढ़ी मंगवाई थी, एक दही बल्ले की प्लेट अभी भी फ्रिज में रखी हुई है, मैंने रख दी थी विहान खाले का, और एक ये प्लेट कढ़ी की भी मैंने फ्रिज में रख दी थी, जो अभी मैं सुबह वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि विहान ना कल शाम को 6 बजे सो गया था। मेरे को था कि 8 साढ़े 8 बजे उठ जाएगा रात को, तो मैं इसको खिला दूंगी, पर ये उठा ही नहीं। यहाँ पे ये 3 रोटी थी, 2 नॉर्मल, 1 मिसी रोटी थी, तो मैंने 1.5 रोटी विहान के लिए रख दी थी शाम को कि विहान को भी खिला दूंगी। 1.5 रोटी मैंने खाई थी रात को खाने में, बट विहान नहीं उठा, तो वो 1.5 रोटी भी बासी हो गई, ऐसी कैसी सुबह रखी हुई है। देखूंगी मैं, खा लूंगी गर्म करके, ऐसे फेंकनी तो नहीं है, है ना। तो पापा जी की थाली को खोला था जब मैं पापा जी को रात को देकर आई थी खाना, तो उसका मैं वीडियो बनाना उस टाइम भूल गई, बस ध्यान ही नहीं रहा मुझे। तो ये मेरा खाना था, ये मैंने रात को खाया था कढ़ी। कढ़ी में हल्दी ज़्यादा लगी, बाकी ठीक थी, खाना अच्छा था, टेस्टी था काफ़ी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सुबह के 6:50 हुए हैं और आज मैंने ब्लू कलर का आईलाइनर लगाया है। विहान अभी सो रहा है, मैं नहा ली हूँ, अब थोड़ी सी भूख लग रही है, रसोई में चलते हैं। ये देखना कितने मच्छर से आ जाते हैं, फ्रूट्स पे आते ही आते हैं। तो यहाँ पर कुछ कीनू रखे हैं, एक पपीता रखा हुआ है, इसमें 2 खरबूजे रखे हैं, एक और खरबूजा रखा है, एक पाइनएप्पल रखा हुआ है। अभी हमें बनाना है जूस, है ना, तो हम पाइनएप्पल का और इनका थोड़ा सा मिक्स बनाते हैं। पाइनएप्पल का तो जूस अच्छा निकल गया, अब इसमें एक ही संतरा मिला देते हैं। मेरे पास कमेंट आया था, पूछ रहे थे आप इसमें चीनी वगैरह मिलाते हो क्या, क्योंकि मौसमी वगैरह का तो खट्टा होता है। मैं कुछ नहीं मिलाती, मैं पी लेती हूँ खट्टा खट्टा भी। इसमें कुछ और फ्रूट मिला लो जो थोड़ा मीठा हो। क्या चीज़ लाए हो पापा जी विहान के लिए? नमकीन काजू, ये वो वाले हैं क्या? ये काजू ही है या फिर जो काजू की तरह दिखने वाली नमकीन आती ना, है? काजू है। काजू है। इसमें तो बहुत नमक होता है अप्पा जी, कैसे खाओगे? खाने में इतना नमक नहीं लग रहा, लेकिन ठीक है। अब आइसक्रीम के लिए मना किया पापा जी को, तो घर में आने लग गए हैं चिप्स, मैड एंगल्स। लो
जिद्दी कर करके ये पैकेट खुलवाया। व्यान कैसा है? अच्छा है। अच्छा है? तीखा है? तीखा है? तीखा है? मिर्ची लग रही है? लगी मिर्ची? मुंह जल रहा होगा विहान आपका, जूस पी लो आके फटाफट। जूस पीना है? जूस नहीं पीना? जूस जूस नहीं पीना? नहीं पीना पानी? नहीं दूंगी पानी। अच्छा दे रही हूँ, ला रही हूँ। 11:20 हो रखे हैं सुबह के, और सुबह का मॉर्निंग का खाना जोमेटो से आ चुका है और ये लास्ट है। अब मैं मना करूंगी पापा जी को कि बस अब बहुत हो गया है, घर का खाना खा लीजिए। मैंने तो बल्कि ना कल, क्योंकि पापा जी बोलते हैं नहीं मेरे को घर का खाना पसंद नहीं आता, तो मैंने तो ना कल कढ़ी बचा के रखी थी, कल एक कटोरी कि ना उसी के साथ रोटी खा लेंगे सुबह। बट वो कढ़ी शायद फिर मम्मा ने खा ली होंगी सुबह, तो वो बची हुई नहीं थी। बोलते तुम उबला हुआ सा खाना बनाते हो, बीमार हो जैसा कौन खाएगा ऐसा खाना, मेरे लिए तो बाहर से ही मंगवा दिया करो। तो अभी मैंने मंगवाया ये 180 रुपए का खाना है। मैं आपको खाने में यहाँ पे आपको दिखेगा है, एक क्वीन थाली है, एक स्टफ्ड पराठा है, एक सिंपल नमकीन तवा पराठा है, ये 3 आइटम्स हैं। और इसमें लिखा है कि डोंट सेंड कल्ट्री टिश्यूज एंड स्ट्रोज, पेमेंट स्टेटस है ऑनलाइन पे। मैंने तो ऑनलाइन नहीं किया, मैं तो कैश ऑन डिलीवरी पे किया है, पता नहीं क्यों इसमें ऑनलाइन पे क्यों लिखा आ रहा है। ये तो पराठे होंगे अलग से मंगवाए हैं। ये पापा जी की थाली है, ये पापा जी की थाली है, इसमें ना खाना रोटी आ नहीं रही होंगी पूरी, तो इन्होंने अलग से दे दी है। तो इसमें है चावल है। हाँ बेटा खोल देते हैं, खाना खाओगे? कह रहे खोल दो, ओला खोलूं मैं। यहाँ पे स्पून तो दे रखे हैं, इसमें है ये तो मिक्स वेज है, ये है पनीर, ये दाल मखनी है। मम्मी बोलते क्या थोड़ी थोड़ी सब्जी इतने से चावल दे रखे होते हैं। और इसमें देखिए ये रोटियां हैं, इस बार ये वाली रोटियां मुझे बहुत अच्छी लगती है, सीरियसली तंदूर की रोटी मेरी फेवरेट है। थोड़ा अंधेरा हो रखा है, मैं लाइट नहीं जला रखी, ऐसा नहीं है कि लाइट नहीं है, अभी तो लाइट है। और ये मैंने अलग से मंगवाया था, ये आलू प्याज का पराठा है और ये प्लेन पराठा है। मैंने सब्जी ना 2 प्लेट में कर दी है, ये विहान और मेरा खाना हो जाएगा। इसमें ये पराठा अच्छा लग रहा है काफ़ी, टेस्ट में दिखने में अच्छा लग रहा है काफ़ी। दाल मखनी है और ये थाली मैं पापा जी को दे आती हूँ ऊपर जाके, उनको वो खाना खा लेंगे। बाबू मम्मा अभी आ रही है, ठीक है? मम्मा खाना दे आए। मेरी चप्पल कहाँ कर दी तूने, घुमा दी विहान, तुम्हें चप्पल बहुत घुमाता है, नंगे पाँव में जाना पड़ेगा मुझे। पापा जी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलिए। ये लो आपका खाना आ गया, खाना खा लेना, ठीक है? हमने ले लिया, नीचे रख लिया अपना खाना, आप भी खा लेना, ठीक है? दरवाजा बंद कर दूं, आराम से बैठ के रोटी खाओ, आप सो के उठे हो, ठीक है? खाना खा लो। पार्क में घुमाने लेकर आई, मैंने कहा चलो जी थोड़ी देर घूम लेगा। और आप सबके अभी कमेंट्स पढ़ रही थी आपका ना, ये देखिए यहाँ पे मैं साइड में लगा रही हूँ वो कमेंट भी, जिसमें बोला गया है कि ये बात अभी बताओ, पहले यही बात बताओ कि आपके पापा जी आपकी मम्मी को राशन पानी का खर्चा क्यों नहीं देते हैं, वो पैसे क्यों नहीं देते हैं। तो मैं एक बात मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। विहान का हाथ पकड़ा हुआ है, मैंने इसको लेते हुए घुमा रही हूँ इसको।
मेरे आंखों के आगे बाल लड़ रहे हैं और इसका हाथ छोड़ नहीं सकती, दूसरे हाथ से ट्राइपॉड पकड़ रखा है, तो बस ऐसे ही साइड कर रही हूँ। मेरे पापा जी ने ना देखो, जब तक मैं कमाने नहीं लगी थी, एक बार बताइए, मेरी मम्मी अगर अर्न नहीं कर रही है, कमा नहीं रहे हैं, तो उनका खर्चा कौन उठाएगा? आप ही सोच के बताइए ना ये बात। तो शुरू से आखिरी तक मेरे पापा जी ने अगर पैसे मेरी माँ के हाथ में नहीं भी रखे हैं, पर जरूरतें तो पूरी करी है ना उन्होंने। कोई भी सामान मेरी मम्मी बोल देते थे कि ये चीज़ ख़त्म हो रखी, आटा ख़त्म हो रखा है, तेल ख़त्म हो रखा है, गैस चूल्हा दूध का बिल सारा कुछ मेरे पापा जी पे करते थे। बैठूं मैं हटा? तो एक तरीके से खर्चा उठाना, अभी भी पता है इंडियन फैमिलीज में ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, देखिए जो हस्बैंड है वो कमाते हैं तो वो क्या करते हैं ना, खर्चा पानी राशन खुद जाके सारा ला देते हैं, रसोई में ला देते हैं, और लेडीज क्या करती हैं, कहती हैं कि हमें पैसे मत दो, सामान घर का सारा ले आया करो, जो चीज़ मैं बता दूँ बस वो कर दिया करो, है ना, कि ये चीज़ ख़त्म हो रखी। ये देखो जी, तभी तो इसका हाथ पकड़ के घूम रही थी, भागेगा मुझे पता था। अच्छा चल घूमते घूमते बात करेंगे। तो ऐसे मत सोचिए, देखिए खर्चा हमेशा उठाया है, मेरी मम्मी का खर्चा उठाया है, चाहे पैसा ना दिया हो, बट खर्चा तो एक ही बात है ना, घर पे ही लगाया है, बच्चों को पढ़ाया है, सारा खर्चे पूरे करे हैं। तो अभी क्यों नहीं देते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जब तक मैं नहीं कमाती थी, तब तक भी मेरे पापा जी ही मेरी मम्मी का सारा खर्चा पूरा उठाते थे। उसके बाद भी जब मैं मम्मी और मतलब मम्मी जब पापा जी के साथ रहते थे, तब भी पापा जी खर्चा उठाते थे। उसके बाद पापा जी ने जब मेरे साथ मम्मी रहने लग गए, तो फिर मैं मम्मी का खर्चा उठाने लग गई। मैंने कहा चलो मैं मेरे साथ रह रहे हैं, हम इकट्ठे रह रहे हैं माँ बेटी, तो मैं इकट्ठा सारा सामान ला देती थी, सारी चीजें। तो उसके बाद से फिर मम्मी ने पापा जी को बोलना छोड़ दिया किसी भी चीज के लिए, कि जैसे ये चीज खत्म हो रखी है, कुछ भी है तो वो मम्मा मेरे को बोल देते हैं। अब जैसे गैस खत्म हुआ, दूध का बिल, ये सब, क्योंकि देखिए दूध भी देखो ज्यादातर तो मैं ही पीती हूँ विहान। और यार दूध से याद आया, कल शाम से अभी तक ना दूध फ्रिज में नहीं गया, सुबह उबाल दिया था, अब घर जाऊंगी ना सीधा, सबसे पहले फ्रिज में दोबारा से उबालूंगी पहले तो दूध, वरना फट जाएगा यार, है ना। तो यहाँ से इसको जाने वहां फुवारों की तरफ, वहां पे ना वो चल रहे हैं, देखो पीछे आपको दिख रहा है ना यहाँ पे। तो मैं वैसे आपसे बात करने के लिए आई थी, मैं कहीं आपसे बात कर लेती हूँ, ये बात मुझे बतानी थी, और कौन सी क्लियर करनी थी, बस यही बात थी मेन तो, है ना। और देखते हैं यार, बाकी पापा जी को मैं बहुत समझा रही हूँ कि पापा जी थोड़ा सा खुश रहे, ठीक रहे, है ना, बट अपनी साइड से चीज़ें हो नहीं पा रही हैं ठीक, आप भी समझ ही सकते हो, बट अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि वो बीमार ना पड़े, अपनी हेल्थ खराब ना करें। तो ठीक है जी, चलिए हम इस वीडियो का एंड कर देते हैं। अब मैं अपने बाबू को यहाँ अच्छे से घुमाऊँ फिराऊँगी, घूमे फिरेगा ना बाबू हमारा, अच्छा लग रहा है यहाँ के, आ जाओ बच्चा के घूम लो। चलिए जी, इस वीडियो को एंड कर देते हैं हम, नेक्स्ट ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे बाद में। ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा मेरी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में, आ जाओ बैठ जाओ, हाँ यहाँ बैठ जाओ ऊपर, दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा हमारी वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।